को भेंट चढ़ाते हो, मैं उसी टाइप का इच्छा पूरी करने वाला एजेंट हूँ। बारिश के एजेंट, बारिश करके मेरी इच्छा पूरी कर दो, मैं तुम्हें ये भेंट चढ़ाता हूँ। अरे वाह, बारिश हो गई, मेरी इच्छा पूरी हो गई। हाँ, मुझे याद है, ऐसा हुआ था। हुआ था ना, लेकिन आज तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए इन्हें तुम रख लो। ये क्या है? असल में ये इच्छा पूरी करने वाली पत्तियाँ हैं। तुम्हें पता है, तुम इन पत्तियों का इस्तेमाल करके कोई भी चीज मांग सकते हो। ये पत्तियाँ तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर देंगी। क्या? ये मेरी कोई भी इच्छा पूरी कर देंगी? हाँ, लेकिन ध्यान रखना कि एक पत्ती एक ही बार इच्छा पूरी करती है, तुम उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाय बाय। तुम्हें सच में लगता है ये पत्तियाँ हमारी इच्छा पूरी कर देगी? क्या उसने हमसे झूठ कहा? सोचना पड़ेगा। असल में हमें ये पत्तियाँ इच्छा पूरी करने वाली एजेंट ने दी है। उसने कहा कि ये कोई भी इच्छा पूरी कर सकती है। अरे वाह, फिर तो इन्हें मुझे इस्तेमाल करने दो। हाँ, और हमें ये नहीं पता कि ये सच में काम करेगी या नहीं, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि इन्हें मुझे इस्तेमाल करने दो। बताओ ना, इन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं? बताओ बताओ। ठीक है, तुम पत्तियों को ऐसे पकड़ो और कोई इच्छा मांगो, और फिर तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। समझ गई। एक पत्ती, मुझे एक बहुत बहुत बड़ा मोती चाहिए। पूरी करती है। मुझे तो ऐसा लगता है इसका दिमाग चल गया है। ये सच है अम्मा, पीको को इसकी मदद से एक बहुत बड़ा मोती मिल गया। तो ठीक है, इससे घर की सफाई करवा के देखो, वैसे भी आज घर में बहुत गंदगी फैल गई है। वैसे भी मैं काफी थक जाती हूँ, पहले यही करा के देखते हैं। ये तो बहुत मेहनत का काम है। ए पत्ती, इस घर की सारी गंदगी साफ करके इसे चकाचक चमका दो। मैं बहुत सी इच्छाओं को पूरी करना चाहता हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी इच्छा को सबसे पहले पूरी करूँ। मेरी इच्छा तो एक बहुत बड़े घर की है, जिसमें खूब सारी जगह हो, जो एकदम साफ सुथरा हो। वाह, कितना सुंदर है। मेरा अपना अलग गद्देदार कमरा है। शिकार करने के सारे हथियार यहाँ है। कितना अच्छा लग रहा है। शिकार करने के लिए मेरा ये नया और जबरदस्त हथियार है। बिना बात के भागलों की तरह क्यों हंस रहे हो? इसके अलावा मुझे एक ऐसी मशीन चाहिए जो सारे कपड़े अच्छी तरह धो दे और मेरे बिना उन्हें सुखा भी दे। सारे हाथियों का शिकार करना है कि मुझे दोबारा शिकार करने की जरूरत ही ना पड़े। जीना इसी का नाम है और बाकी सारी बातें बेकार है। तुम बेकार की बातें मत करो, शिकार करना तुम्हारा काम है और तुम्हें ही करना चाहिए। मुझे ऐसी मशीन चाहिए जो पेड़ से फल तोड़ दे। एकदम फालतू आइडिया है तुम्हारा। एक काम करता हूँ, मैं इस पत्ती की मदद से एक दूसरी दोस्त मांग लेता हूँ। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं भी अपने लिए एक बहुत अच्छा दोस्त मांग सकती हूँ, जो मेरे सारे काम करेगा, मेरी बहुत सेवा करेगा, समझे? मेरे होते हुए तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? ये सोचते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? इसकी शुरुआत तुमने की थी। जब तुम सारी शर्म बेच कर खा सकते हो तो मुझसे क्यों शिकायत कर रहे हो? आखिर तुमने सोच कैसे लिया कि कोई दूसरी दोस्त बनाओगे?